पहली बार प्लेन में बैठे थे, लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट कर लिए हैं। अब प्लेन से उतरते ही माइंड में यही बिठा के रखे थे कि चिकन डिनर पक्का है, क्योंकि या तो इस लॉबी में हम नूब हैं या फिर बाकी सब प्रो हैं। या तो हम चिकन डिनर कर जाएंगे या फिर ये लोग मेरी पेटी बना के मेरे को वापस लॉबी में भेज देंगे। पहले ही मेरे टीममेट ने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देते ही मैं पहले नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही पैराशूट खुला तो लगा था आसपास कोई नहीं है, यहाँ पे गन की भरमार होगी, अकेले लूट करूँगा और यहाँ पे सबको पेलूँगा। या तो मेरा धुआं निकलेगा या लोग मैं उनका धुआं निकाल दूंगा। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ज़रूर है बाहर, या तो हम जाएंगे या एक दो को बाहर भेज के आएंगे। जैसे तैसे उतरते ही हमें यहाँ पे गन मिल गई, अब हम राजा बन गए। सोचे थे कि 4-5 किल अब हम ले ही लेंगे। नंबर एक से पहले हमें अब एनिमी ढूंढना था। अब एक गन से किसका पेट भरने वाला था, दूसरे गन की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि जब तक दो गन नहीं मिलते तब तक मैं किसी एनिमी को गन नहीं उठाता। तो अब दूसरा गन मेरे को ढूंढना है। अब देखता हूँ कहीं ना कहीं कोई एनिमी मिल जाए। अब किसी ना किसी का तो निकालना था धुआं और किसी ना किसी की बननी थी पेटी। अब हम दूसरे एक दरवाजा खोल के दूसरे दरवाजे पे, दूसरे दरवाजा खोल के तीसरे दरवाजे पे। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम दरवाजा खोल के इधर उधर मुंह हिलाते हुलाते भाग रहे हैं, अब देखे कहीं ना कहीं कोई एक बॉट हमको दिख ही जाएगा। एक आध किल करने के बाद तुमको बता तो सकते हैं कि हमने किल किए हैं। भागते भागते हम सोचे कि रोड पर यहाँ पे खड़े होकर एक दो पीक ले ले, क्योंकि प्रो खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे एक और पीक और ये तो हम बन गए प्रो खिलाड़ी। अब यहाँ पे लूटते हुए जैसे ही हम इधर उधर लूट कर रहे हैं, अब जैसे ही हमने गन की आवाज़ सुनी तो हमने यहाँ पे प्लान बना लिया यहाँ से भागने का, मतलब बंदे मारने का। अब हम जैसे तैसे यहाँ से भागते हुए हम बंदों को देख लिए, दो बंदे। अब हम सोचे कि हमारी पेटी यहाँ पे बन ही जाएगी, लेकिन धोखे से पता नहीं कैसे ये ग्लिच था, पता नहीं क्या था, हमने एक बंदा नॉक कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा तभी की एक और बंदा। अब हम क्या करें, अब हमको समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे तैसे हम इसको भी नॉक कर दिए। अब हम बहुत टेंशन में, हाथ हमारा कपकपा रहा है, पता नहीं कहाँ करेंगे हम। अब इसको भी हम मारने के चक्कर में, लेकिन कहाँ करें, यहाँ पे गोली ही रिलोड ले लिए। अब हम इसको भी मार दिए। भाई भाई भाई, अब ये कहाँ रेंगते हो जा रहा है, इसको भी मारेंगे। अब वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो। बाप रे भाई, मेरा दिल धक धक कर रहा है, हाथ कप कप आ रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहा है। ये जिंदगी में पहली बार पबजी खेलते हुए, सॉरी BGMI खेलते हुए हमने 4 किल करा। हाथ इतने जोरों से कप कप आ रहा है कि हम कहाँ बताएं। अब हम गेम आधे घंटे तक नहीं खेल पाएंगे, दिल जोरों से धक धक कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ से लूट करके जा रहे थे कि तभी ये गोली चलना स्टार्ट हुई, तो हम सोचे इस बार हमारी पेटी बन ही जाएगी। उंगलियाँ कब कप आ रही है, दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन नंबर एक ने हमको बचा लिया, उसने उस बंदे को पेल दिया। सोचे हम मार देंगे तो हमारा किल बढ़ जाएगा, लेकिन अब हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि नंबर एक हमारा किल चोरी करने के लिए ही हमारे साथ आया है, क्योंकि हर नूब को एक प्रो खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। नहीं नहीं भाई, नंबर एक प्रो खिलाड़ी में नूब मेरे को मैं ज़्यादा जरूर रहते नंबर एक की, हर बात सीरियस में मत लिया करो यार। अब यहाँ पे देखते देखते एक और गोली की आवाज़ आई, तो हम सोचे कि हम हिलते हिलते जाएंगे, तो जैसे हम मैच देखे हैं बहुत सारा, तो वहाँ पे हिलते हिलते ऐसे जाते हैं तो एनिमी नहीं मार पाता है। तो हम सोचे कि हम ऐसे ऐसे हिलते हिलते जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके हमारी भी पेटी बन जाएगी। तो हम खुश होके गए कि इस बार देखेंगे या तो हम पेटी बना के आएंगे या हमारे पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा। लेकिन हम जाते हैं देखें क्या होता है। हम सोचे कि यहाँ पे पहले से ही 2-3 बॉट हैं, आराम से एक आध किल मिल जाएगा। अब पीछे से भी गोली चल रही है, आगे से भी गोली चल रही है, अब पता नहीं हरे हरे धुएं कहाँ से निकल रहा है वो हमें ही पता नहीं चल रहा है। अब जैसे तैसे हम भागते हैं, अरे अरे तेरी, अब हम इधर छुपने की कोशिश कर लेते हैं, वरना ये तो पेटी बना, अरे ये तो धुआं निकाल दिया साला, अच्छा खासा दो पैरों पे थे साला, घुटने पे ला दिया। अब पीछे से यहाँ से बॉट आ गया, बाहर ही जाना पड़ेगा लग रहा है। पेटी बन गई है, चिकन डिनर का सपना ही रह जाएगा। किलो साला धुआं बना दिया और साला नंबर एक हमारे आड़ में साला किल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं। अरे रिकॉल कर रहा है, अरे बाप रे, अब तो मन में ऐसा लग रहा है पूरे गांव वालों को मिठाई बांट दें। अब नंबर एक ने रिकॉल कर दिया, अब इतनी खुशी कहाँ बताएं, इतनी खुशी तो जब पड़ोस की शादी में हम बिन बुलाए खाने चले गए थे तब भी नहीं हुई थी। लेकिन जो भी है,
इस बार जितने भी बंदे हैं सबको पेल के ही जाएंगे। पता नहीं फिर से घुटनों पे ला दिया तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इस बार हम मार के जाएंगे। जितने भी बंदे हैं सबको पेलेंगे, क्योंकि पीछे नहीं देखेंगे, सबको मारेंगे। साला प्लेन से उतर नहीं पाए, फिर से घुटनों में लाने की कोशिश, लेकिन इस बार हम नहीं मारेंगे, इस बार मार के जाएंगे। अब जैसे तैसे हम नंबर एक के पीछे पीछे रहेंगे, हाथ कब कपाए रहे हैं, पता नहीं कब कौन आके पीछे से मार दे। तो पहले लूट कर लेते हैं, कुछ ना है अपने पास, लूट कर लेंगे, उसके बाद मारेंगे बंदे को। देखियो नंबर एक भी हमारे पीछे पीछे आ गया, अब इसको भी इतनी का लूट चाहिए। बैग देखियो पूरा पूरा फुल हो रखा है, फिर भी लूट करने आ गया। अब सबकी पेटी लूटने के बाद सामने हमारे एक गाड़ी आ गई। अब हम सोचे इन सबको हम पेल देंगे अकेले, लेकिन कहाँ करें, वो हमसे ज़्यादा पुरो था। अब वो जैसे तैसे वो गाड़ी के आड़ में आ गया, ना हम उसे मार पाए ना कुछ। अब वो कूद इतना रहा था, कहाँ बताएं। अब वो जैसे तैसे वो गाड़ी छुपा के यहाँ से भाग जाता है। तो अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा गन साला, हम जब गोली मारते हैं, एक गोली मारे नीचे तो 10 गोली ऊपर पड़े है। No, God, please, no! टेंशन बहुत होता है, पता नहीं कितनी बार हमको ट्रेनिंग रूम में जाना पड़ेगा अपने ये इसको सही करने के लिए, कि हम 4 गोली नीचे मारे तो बाकी के 3 गोली अपने आप आसमान में चला जाता है, लेकिन फिर भी एक गोली से यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है। अब हम इसको किल कर दिए, हम इसको कंफर्म करेंगे, अब हम इनको छोड़ेंगे ना ही। अब हम यहाँ से इसको ढूंढ ढूंढ के पहले किल कंफर्म करेंगे। साला 5 किल हो गया, एक आध किल और हो जाएगा, हमारा KD मेंटेन हो जाएगा। वाह मार दिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से पीछे से हमारे ऊपर फिर से गोली चलने लगती है। अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पूरा प्लान बना के बैठे पड़े हैं कि साला हमें घुटनों में लाके छोड़ेंगे, पेटी बना के हमें लॉबी में भेजेंगे, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, हम भी इनका भूत भर देंगे। अरे 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 साला घर के अंदर बैठ के कंपिंग कर रहा है, अभी हम इसका कंपिंग निकालेंगे, उसको भूत भरेंगे ऐसे 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 साले। और चुप यहाँ पे, और चुप। अच्छी खासी लूट मिल गई। अब लूटने के बाद जैसे हम थोड़ा सा गन रिलोड करने के लिए यहाँ पे घूमे कि तब ही हमारे पीछे से किसी ने गोली चला दी। उसके बाद हमारा भी सिक्स सेंस जाग गया। अब हम सोचे कि इसको भी हम प्रो खिलाड़ी की तरह छुप छुप के मारेंगे। अब देखें क्या करते हैं। अब जैसे देखें कि वो ऊपर छूट रहा था, तो हम सोचे कि हम जोन के अंदर जाके इसको पेलेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन किया तो देखें कि सिक्सेस ऑन था। और सिक्सेस ऑन होते ही भाई का बताएं, बच गया। अब वो किल हमारा नंबर एक ले जाएगा। वो पता है प्रो खिलाड़ी वो है, हम नूब हैं, उसके पीछे हम खेल रहे हैं, लेकिन एक आध किल हमें भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बताओ। इतनी तो किल किए हैं, अभी किल ही का हुए हैं हमारे। अब हम थोड़ा हील वील कर लेंगे, यहाँ पे हील वील करके फिर जाते हैं जोन में, और वहाँ पे फिर बंदे पेलेंगे। चिकन डिनर तो इस बार करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद थोड़ा हिल हुल के जैसे तैसे हम जोन में पहुंच गए। अब हम जैसे तैसे घूमते घामते हम इधर आ गए। जैसे यहाँ पे आए तो हमको लगा, आगे डाउट हुआ कि आगे कोई ना कोई बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्रोपना आ रहा है हमारे अंदर खेलते खेलते। देखिए इस मैच में भी साला चिकन डिनर कर दे, कुछ पता थोड़ी ना है, लेकिन ये भी हो सके है कि दूसरा टीममेट साला हमारा धुआं निकाल दे, हमको लॉबी भेज के खुद चिकन डिनर कर ले सामने बंदा। अब हम सोचे कि इसको हम मार के जाएंगे, लेकिन ये भी साला हमसे भी ज़्यादा ढीठ था, छुप छुप के खेल लिया था। अब हम धीरे धीरे इसके पास पहुँचे, सोचा साला अकेला होगा तो हम यहाँ पे पेल देंगे इसको। अब जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो देखे तो गोलियाँ चल रही हैं। साला जैसे ही हम यहाँ पे आए तो एक बंदे की जगह दो दो बंदे के पैर हमें दिखने लगे। हम तो साला सोलो सोच के आ गए, सोचा किल कर लेंगे जाके। अब वहाँ पे साला सामने से भी गोली चल रहा, और यहाँ पे पीछे से भी गोली चल रहा, और यहाँ पे हमारा साला नंबर एक धमाधम किल मारे पड़ा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, सामने वाले को देखें और यहाँ पे जो दो बंदे हैं या ये हमको देखें। अब हम इधर थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि कहाँ है, कैसे मारा जाए इन दोनों को। हम अपना
जादू वाला ट्रिक लगा रहे थे कि तभी हमारा जो नंबर एक है भाई नॉक हो जाता है। हम कहा बताएं, हम उसको बचाने के लिए जाएं या बंदे मारें? हम सोचे पहले बंदे मारेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे हैं जहाँ पे वो प्रो बंदे पहले बंदे मारते हैं, उसके बाद जाके बंदा रिवाइव करते हैं। हम साला एक मारने गए तो यहाँ पे दो दो बंदे। अब हम अपना प्रो पना जगाए और हम इसके पीछे भाग गए। साला ये बंदा हमारा सपना चूर चूर कर दिया। इतना अच्छा किल कह रहे हैं, हम साला 7-8 किल कर दिया और हम सोचे चिकन डिनर कर देंगे। पहली बार हम साला चिकन डिनर करते, कितना खुश होता हमारा दिल। पहली बार चिकन डिनर करते हम, साला सारा सपना सपना छोड़ दिए, एक गो चिकन डिनर ना करने दिए हमको। पेटी से धुआं निकाल दिया, हम साला लॉबी में पहुंच गए।